अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे मेथी है। आइए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, हम आपको बताते हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए, हमने आधा किलो उड़द दाल बिना छिलके की जो आती है उसको ले लिया था। उसको 3-4 घंटे हमने भिगा के रख दिया। वो एकदम स्मूथ हो गई है, एकदम सॉफ्ट होके फूल भी गई है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी जार में, बारीक एकदम पीसेंगे, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इसको मेंदू वड़ा बनाने के लिए एकदम बारीक पीसना पड़ता है। एक भी दाल खड़ी देखिए नहीं दिख रही, बहुत स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें डाल देंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो भी डालने हैं हमें। हम डाल देंगे अभी इसमें नमक, नमक हमने ऐड कर दिया है। और इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची कुटी हुई 1 से 1.5 चम्मच, और डाल देंगे फाइन चॉप की हुई हरी धनिया। इसमें आप चाहें तो डाल सकते हैं अपनी मनपसंद की सब्जियां भी, वेजिटेबल्स यानी डाल सकते हैं, जैसे गाजर हुआ, शिमला मिर्च हुआ, बारीक ग्रेट करके इसको आप ऐड कर सकते हैं, तो भी आपका बहुत टेस्टी और हेल्दी भी हो जाएगा। मैं सिंपल सा मेदू वड़ा बना रही हूँ। अब इसको सबको मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ऐड करके अभी फिर से इसको मिला लेंगे। तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब इसको हम हाथ में पानी लगाएंगे और थोड़ा सा बैटर लेंगे, अंगूठे को गीला करके बीच में डाल के ऑयल में डाल देंगे, ताकि बीच में जो मेदू वड़ा में होल नज़र आएगा आपको, वो होल हो जाए, इसलिए बीच में अंगूठा डाल के फिर फटाफट इसमें डाल देंगे। और थोड़ा संभाल कर सावधानी के साथ इसको तलना पड़ेगा, क्योंकि तेल में बहुत करीब से करके मेदू वड़ा डालना पड़ता है। ये बहुत क्रिस्पी, अच्छा और टेस्टी होता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखें तो लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। देखिए, मैं प्लेटिंग कर अभी इसको निकाल लूँगी, प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा, कितना टेस्टी था हमारा वड़ा तैयार हुआ। इसके साथ मैंने चटनी भी डाली है, चटनी की रेसिपी भी मैं डाल दूँगी 2-1 दिन में। ये बहुत टेस्टी तैयार हुआ है, बहुत अच्छा क्रिस्पी वड़ा तैयार हुआ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने ट्राई किया, आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।